लड़की फोन पर बात करते हुए लिफ्ट में आई। बिट्टू की तरफ देखकर हंसी और फोन पर अपनी सहेली से बोली, चल अब फोन रखती हूँ। लिफ्ट में एक शानदार हैंडसम लड़का आया है, देखती हूँ अगर कोई बात बनती है तो। अब बेचारा बिट्टू कुछ बोलता उससे पहले ही लड़की बोली, सॉरी अंकल जी, मेरी सहेली बहुत पकाती है, मुझे फोन रखना था इसलिए झूठ बोलना ही पड़ा। बिट्टू मन ही मन में, भगवान कसम आज तक इतनी शराफत से किसी ने बेइज्जती नहीं की। नो 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 नो। एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा, आप कितने घंटे बस में रहते हो? कंडक्टर बोला, जी 24 घंटे। आदमी बोला, वो कैसे? कंडक्टर बोला, देखिए 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूँ और बाकी 16 घंटे बीबी के बस में रहता हूँ। नो 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 नो। पापा बोले, सोनू क्या बात है, तेरी मम्मी आज इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? सोनू बोला, बस ऐसे ही पापा, मम्मी ने मुझसे लिपस्टिक मांगी थी तो मैंने गलती से फेविस्टिक दे दी है। पापा हंसते हुए, जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान सभी को ऐसा ही बेटा दे। नो 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 नो। दांत का डॉक्टर बोला, आपका दांत निकालना ही पड़ेगा क्योंकि ये सड़ चुका है। संता बोला, हाँ तो कितने पैसे लगेंगे? दांत का डॉक्टर, बस 500 रुपए लगेंगे। संता, 50 रुपए ले लो और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल तो मैं खुद ही लूंगा। डॉक्टर के उड़े होश। नो 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 नो। जब चिंटू ने पिंटू के लिए खास तेल में बनाए पकोड़े, चिंटू आज मैंने एक स्पेशल डिश बनाई है जिसे खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी। पिंटू बोला, ऐसा क्या बना दिया तुमने यार? चिंटू, नवरत्न तेल में पकोड़े। नो 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 नो। पति, तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ। पत्नी बोली, कौन सा फायदा? पति, मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई है। नो 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 नो।